लखनऊ के सड़कों पर भी आज कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे। फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है? अजय राय को हिरासत में भी लिया गया? बिल्कुल, देखिए अजय राय के साथ साथ 100 से भी अधिक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनको इको गार्डन भेज दिया। आपको बताऊं तो सुबह से ही कांग्रेस की तैयारी थी कि 11:30 बजे के आसपास कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसको लेकर योगी सरकार की पुलिस भी मुस्तैद थी यहाँ पर और भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कांग्रेस कार्यालय पर की गई थी, जिन्हें रोकने के लिए हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुँचे माल एवेन्यू रोड पर और उन्हें रोक दिया गया, बैरिकेटिंग कर दी गई थी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता उग्र हो गए और उन्होंने बैरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। हालांकि कुछ कहा सुनी भी हुई आपस में, हाथापाई भी हुई पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच और उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेकर उनको सीधे इको गार्डन पहुंच गई है पुलिस। आपको बताऊं तो इसमें आज का जो कार्यक्रम था वो अजय राय के नेतृत्व में था और अजय राय को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नीट परीक्षा को निरस्त करने की मांग को लेकर ये पूरा प्रदर्शन चल रहा था, जहां पर जिसको लेकर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता उग्र हुए, सड़कों पर धरने पर बैठ गए थे, हालांकि पुलिस ने सबको टांग कर बस में बैठाया। बिल्कुल तुषार, एक तरफ विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ आरोप विपक्ष पर ही लग रहे हैं कि उसी की साजिश है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नीट परीक्षा को लेकर पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा और नीट परीक्षा को कैंसिल करने के से भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, जिसके बाद भी देखिए तो कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर इसे भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि जब सवाल पूछा मैंने अजय राय से तो कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल करने से इनकार कर दिया है, तो शायद अजय राय को ये बात पता नहीं थी और अजय राय ने साफ तौर पर कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, लेकिन अब इस पर राजनीति गरमा गई है। पूरी तरीके से मामले पर राजनीति भी नजर आ रही है। अजय राय के साथ ही 100 तकरीबन कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जिनको हिरासत में लिया गया है और इको गार्डन उन्हें ले जाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार इस जानकारी के लिए।